अस्सलाम वालेकुम जी, जट्टी दे व्लॉग के साथ जनाब हाजिर हैं। की हाल चाल है तुहाडा? उम्मीद तुसी ठीक होवोगे। अज दी रूटीन जनाब शुरू करना डायरेक्ट ही अफतारी तो, क्योंकि मैं दस्या सी जिदन सहर टाइम मेरी अख खुल गई तकरीबन अद्धा पौना घंटा पहला टाइम। हाँ जी बैठा तो फिर इंशाल्लाह मैं तुहाडे नाल सहर दी रूटीन शिफ्ट करांगा, शेयर करांगा, शिफ्ट करांगा। मात्र एक जी मेरी सौ के मैं सारा दिन उर्दू में छोलिया ग्रीन चने आलू और ये मैं फर्स्ट टाइम बना लगी हाँ, लेकिन मतलब मैं बनाने तो आंदा है, लेकिन साडे घरों ना एक तो कढ़ना बड़ा औखा है, सना कट गई है। चुप करो गुस्सा आलू के लच्छेदार राज पकौड़े बनेंगे जनाब, वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। साथ पुदीने का बनेगा जूस कह लो, शरबत कह लो, और ये लो और की गई है नींबू दरा पा के सेवन अप आ गए। हाँ उसमें बोतल मेरे पुत्र मेरे चेता है। तो आज छोलिया टमाटर सब्ज मिर्चा अदरक लहसुन सारा कुछ रख लिया। ये आम ही मतलब मसाला भुन के ना भुनना है, फ्रेश ला दो थोड़ी देर। आपको नहीं पता ठंडे इसलिए कि फ्रिज से निकाल तो आपने इतने दिन हो गया गाय से कोई बातें नहीं कर लो, पता नहीं दोस्तों जानते इतना बदतमीज बच्चा लोगों को मारता फिरता। दूध बोल रहा हूँ मैं बातें करनी है, क्या बातें करनी? जल्दी करो, मैंने अभी फिर जब रखनी है बाद में बनाएंगे ना। बाय लाइक करें। ये देखें जी, ये बन रहा है आलू छोलिया। अकेला आई लो हरे चने छोलिया आखिर दस्यो। ये देखे जनाब, अभी मैं आपको फिर वो पुदीने वाला जूस तो होर की लीजा बनने लगा लच्छेदार पकौड़े वो रैसपी दसनी हाँ। पाँच मिनट बस ना हांडी भुन लवा, लीजा पानी पा रहा हांडी तो भुनी आखिर दो ही मारो जरा तो तुम। ये देखे जी आना आलू जेड़े ने ना कद्दूकश करके पानी में भिओते, फिर उन्होंने चंगी तरह चोड़ लिया कि खुश हो जाने कद्दूकश कर देने आलू ठीक है ना। ते हूँ इस पैना मैदा भी सब फिर हंडी होना तो वही आ गया ना, तो लीजा का की बनना। तो इस भी मैं सोचा कि लीजा वास्ते बेसन वाले थोड़ा जहा बेसन उस पा देंगे वो भी तुम दस दें। तो पहले मसाले पावे नमक क्या गिर मिर्च सुरख मिर्च थोड़ी जी हल्दी भी पानी है। गरम मसाला धनिया पाउडर आप अपने भी डाल के लगाऊंगे मैं उसमें बेसन डाल के वो मैं
डाल लो आपके नचोड़े उबाल रखे डब्बे बच्चे इसी में डालो डाल लो थोड़ा सा बेसन इसमें डालो लीजा पापा एक चम्मच हाँ बेसन ये बेसन इसमें मैं लेती हूँ और ना हाँ लीजा तो क्या लीजा ने बैठ मैं दिया तेरी ना मुखाने तो लीजा मैं तो बेसन वाले लग बना दे लीजा एक अंडा और तोड़ो हाँ देखो ऐसे जो मैंने बुरा मैदा मतलब बेसन पाना है एक चम्मच जितना मैदा पाना है वो दा हाफ मैदा चाहिए जितना बेसन पड़ेगा जी मैं चार चम्मच अगर मैं मैदा पाया दो चम्मच बेसन लीजा खोलो मेरे हाथ ही साफ बैठे हैं जल्दी कर जल्दी खोलो एक मारे बनाओ एक चम्मच डालो बाकी छ
अच्छा जनाब, एदे विच पएगा एक चम्मच नमक और ये काला नमक। काला नमक जरूर पाना है, ज्यादा टेस्ट आता है कि मैं खेड़ती रहना इस विच। ये क्या पान की थी जो उसी हुए ज्यादा बाद में जिन्हें पहले आना होगा वो डाल जाएगा। अच्छा चीनी इसमें डालेंगे हम, किधर चीनी? पुदीना, लेमन जूस, काला नमक, दूसरा नमक ते चीनी। चीनी तुसी अपने हिसाब नाल पानी है। दो पुदीना, काला नमक, दूसरा नमक, चीनी। घर की आदत है कि मैं गल बड़ा ही रिपीट करनी हूँ मज़ तो छान के तुम्हें दसागे कि सेवन अप किस टाइम पानी है कि पानी है। आओ देखो जनाब, पुदीना तो लीमू तो जो चीज़ नमक काला नमक चीनी वगैरह वो करके ना हमें जग के चंगी तरह पोल लीजा पापमा पापमा बेटे जल्दी आ जल्दी ये फ्रिज में आप क्यों फिर पार्टी से थोड़ी देर पहले ना ऐसे ची पावांगे। हाँ जी वो फ्रिज में आप क्यों पूरी डालनी नहीं सेवन आप अफतारी से थोड़ी देर पहले डाल लेंगे। अब इतने रात को फाड़े हो ना तेन हाथ से इन फाड़ के ते ये देखें जनाब, ये इस शेप में ना बनेंगे। वह मैं इधर करना जरा आ देखो इन ना पा के जो तुम बेच पाए ना उपर थोड़ा जहाँ हैंड ताकि थोड़ा अंदर तक ही पक जाएगा ना। ये आम पकौड़े ना शेप थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, मतलब आम पकौड़े ना शेप थोड़ी डिफरेंट होगी। अब बड़े अच्छे माशाल्लाह लग रहे थे, टेस्ट भी बड़े ने हूँ, लेकिन मैं रोजे तो बाद ही दसागी कि टेस्ट मैं पहला वैसे बनाया नहीं। आ वेखो जी ये हम पान लगी बोतल पैन लगी है, यह तो तेरे बाबा ने बड़ा बड़ा पीना है। अकीम साहब ने बड़ा वाला पीना है, उसमें पहले बहुत डाल दी इसमें। अब जनाब ये देखे सालन भी माशाल्लाह बड़ा अच्छी लुक आ रही है, पकौड़े भी बन गए हैं ते अच्छा बर्फ हो जी माशाल्लाह जी। इफ्तारी इख्तिताम पजीर हुई ते नमाज पढ़ने तो बाद जो चीज़ की कमी रहती वो होंगी चाह। पहले तो मेरा दिल करता कि मैं कोई 15-20 मिनट लेट जावा फिर बनावा, पर फिर समझो कि वो वाली गल होगी ना फिर बननी नहीं।
अकील साहब ने इस टाइम जाना होंगे अपनी अम्मी को घड़ी तो फिर चाय पी के ज़्यादातर जाते हैं। मैंने कहा चलो चाय बनाए साथ साथ किचन भी समेट लें फिर जाके लगने पाए। सुबह शुक्र है छुट्टी है सुकून दे नाल रोज़ा रख के सोना है। अजकल नींद नहीं बिल्कुल भी पूरी हो रही, मतलब पौने पाँच पाँच बजे तक सपारा पढ़ के नमाज पढ़ के तो सोवो तो साढ़े छे फिर उठ जाओ। और मैं जो लेट नहीं है ना पाँच बजे उदों ही नींद आते आते साढ़े पाँच हो जाते हैं। तो अज भी मेरी अख लेट खुली मैं स्कूल भी लेट पहुँची हूँ। तो उम्मीद है जनाब अज का ब्लॉग तुम्हें पसंद आया होगा। मेरे चैनल में सबसक्राइब जरूर कर दिया करो मेहरबानी थोड़ी, लाइक तो शेयर भी करो। तो दुआ याद रखना जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।